फिर से बारिश होने के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। अब सरकार ने भी कह दिया है कि उसी धान को बचा सकती है जो केंद्र पहुंच गई है। दूसरी तरफ टोकन काटने से लेकर धान बेचने में परेशानी की बात किसान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों की परेशानियों को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की है स्वराज एक्सप्रेस ने। आप लोगों ने अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट मंगाई, किन किन राज्यों से रिपोर्ट मंगाई? इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो जो राज्य प्रोत्साहन राशि देते हैं या MSP के अतिरिक्त किसानों के लिए योजना बनाकर उनको लाभ पहुंचाते हैं, सभी राज्यों से उसका रिपोर्ट मंगा ले। उड़ीसा में जैसे कालिया योजना है, कालिया योजना बना करके किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। ठीक उसी प्रकार आंध्रा में है, वहां पर रातु योजना बना करके किसानों को प्रोत्साहित करने का काम वहां की सरकार कर रही है। ठीक उसी प्रकार अन्य भी राज्य है, हमने कहा है कि प्रमुख दो राज्य हो गए और अन्य जो राज्य है जो भी इस प्रकार की योजना बना करके किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना संचालित कर रहे हैं उसका रिपोर्ट मंगाए, उसका अध्ययन करेंगे। धान आप लोगों ने देर से खरीदा है तो जाहिर तौर पर क्योंकि मंडियों में भी ये समस्या बार बार सामने देखने को आ रही है कि लोगों के टोकन नहीं कट रहे हैं, लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, बाहर वो धान बेचने जा रहे हैं तो डर लगा रहता है कि धरपकड़ ना हो जाए। नहीं, डरने की बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भी कार्रवाई हो जा रहा है। आप अपना दस्तावेज रखिए, अपना ऋण पुस्तिका रखिए, पंजीयन होगा आपके पास, ऋण पुस्तिका होगा तो उसके अनुसार खरीदी होगा, है ना। और कोई अगर बिचौलिए कहीं दूसरे प्रदेश से ला रहे होंगे तो उसको अफरा तफरी करने के लिए थोड़े ना छूट है। केंद्र सरकार ने एक फैसला किया है कि रायपुर एयरपोर्ट को वो प्राइवेटाइज करेगी, अलग अलग जो देश के तमाम एयरपोर्ट्स कर रही है उसकी श्रेणी में, उसी सीरीज में अब रायपुर का भी नंबर आ गया है। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? भारत सरकार हर मोर्चे पे फेल हो रही है। मोदी जी जब सरकार में नहीं थे तो बड़ी बड़ी डीग हांकते थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आने के बाद टाटा फिश। अब उनको खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब प्राइवेट लोगों को लाभ पहुंचाने की इस तरह का इन हथकंडा अपना रहे हैं कि निजी कंपनियों के हाथ में बहुत सारे कंपनियों को, बहुत सारे योजनाओं को दे रहे हैं, उसमें से एक एयरपोर्ट रायपुर भी है जिसको दे रहे हैं, तो हम उसको उचित नहीं मानते हैं, गलत कदम। तो सरकारी उपक्रमों को बेच करके निजी लोगों को लाभ पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए, ये कहना था अमरजीत भगत का। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब उनके केंद्रों तक धान पहुंच जाएगा उसके बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, उससे पहले किसान अपने फसल की देखभाल खुद करें।